ऑफ्लो मैक एम सस्पेंशन को उन बच्चों के लिए रिकमेंड किया जाता है जिनको की लूज मोशन होते हैं। इस ऑफ्लो मैक एम सस्पेंशन को जर्नली बैक्टीरियल और पैरासिटिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो फिर बच्चों में डायरिया हो चुका है, जो फिर डाइसेंट्री हो चुकी है, तो उन कंडीशन के बीच में इस मेडिसिन को यूज किया जाता है। ऑफ्लोमैक एम सस्पेंशन जो है जो एक एंटीबायोटिक है और जिसके बीच में अफ्लोक्सीन 50 mg और मेट्रोनिडाजोल जो है 100 mg प्रेजेंट होते हैं एज ए एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स जो है इस मेडिसिन के बीच में प्रेजेंट होते हैं और दोनों जो है कंबाइन होके जो है एक तरह से इंफेक्शन को ठीक करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो बैक्टीरिया जो है इंफेक्शन को कॉज करते हैं तो उसके डीएनए को एक तरह से जो मेडिसिन जो है डैमेज कर देती है और जिससे कि जो ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की वो स्टॉप हो जाती है। ये मेडिसिन जो है इंफेक्शन को फैलने से रोक देती है। अगर इंफेक्शन जो है बैक्टीरिया के द्वारा कॉज हो रही है और बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट नहीं होने देती है। ऑफ्लोमैक एम सस्पेंशन जो है जो एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है बैक्टीरियल और पैरासिटिक इंफेक्शन के अगेंस्ट। बच्चों के बीच में जो है इस मेडिसिन को यूज किया जाता है ट्रीटमेंट करने के लिए। अगर उनके टीथ के बीच में अगर इन्फेक्शन हो चुकी है, लंग्स के बीच में इन्फेक्शन हो चुकी है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के बीच में इन्फेक्शन हो चुकी है, यूरिनरी ट्रैक या फिर जेनिटल ट्रैक के बीच में इन्फेक्शन हो चुकी है, तो उन सब कंडीशंस के लिए जो है डॉक्टर इस मेडिसिन को जो है रिकमेंड करते हैं। तो इस ऑफ्लोमैक एम सस्पेंशन को जो है बच्चों को ओरली जो है देना है आप लोगों को और एक फिक्स्ड टाइम जो है सेट कर लेना है और उसी टाइम के ऊपर रेगुलर देना है। आप लोग जो है इसको खाना खाने से पहले भी खा सकते हैं और खाना खाने के बाद भी जो है यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों को पर डे 2 times जो है इस मेडिसिन को जो है बच्चों को देना है। एक बार जो है मॉर्निंग में दे देना है, एक बार जो है इवनिंग में दे देना है। इस मेडिसिन को आप लोग जो है मेजरिंग कैप की मदद से जो है मेजर वीक कर सकते हैं, जो कि आप लोगों को इसकी बॉटल के साथ जो है मिल जाएगी। तो इस मेडिसिन को यूज करने से पहले आप लोग जो है इसकी बॉटल को अच्छे से शेक कर लें और उसके बाद ही जो है बच्चों को पिलाएं। अगर बच्चों को जो है इस मेडिसिन को यूज करने के बाद जो है वोमिटिंग हो जाती है 30 minutes के अंदर अंदर, तो आप लोगों को जो है दोबारा से जो भी डोज होगी तो उसको रिपीट कर देना है। लेकिन कभी भी आप लोगों को डबल डोज जो है एक समय पर नहीं देनी है। तो जो डोज होगी, किस बच्चे को कितनी डोज आप लोगों को देनी है, तो वो चीज़ जो है उनकी एज के ऊपर डिपेंड करेगी। तो आप लोगों को इसके रिलेटेड जो है डॉक्टर को पूछ लेना है कि कितने साल के बच्चे को जो है कितनी डोज जो है वो देनी है। वो उसके इन्फेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि इन्फेक्शन जो है किस तरह की है उस बच्चे को, और उसकी एज के ऊपर डिपेंड करेगा और साथ में ही उसके बॉडी वेट के ऊपर भी जो है डिपेंड करता है। और उसके अकॉर्डिंग ही जो है डॉक्टर जो है रिकमेंड करते हैं कि उनको जो है कितनी डोज और कितने ड्यूरेशन के लिए जो है इस मेडिसिन को यूज करना है। इस मेडिसिन के कुछ माइनर और टेम्परेरी साइड इफेक्ट भी देखे जाते हैं, जिनके बीच में नौसिया होना, या फिर यूरिन की डिसकलरेशन हो जाना, वोमिटिंग होना, हेडेक होना, लॉस ऑफ एपेटाइट, एब्डोमिनल क्रैम्स आना, माइल्ड स्किन रैशेस आना, वेट लॉस होना, एब्डोमिनल पेन होना, डायरिया। तो जो कुछ माइनर साइड इफेक्ट्स हैं जो कि खुद ब खुद कुछ समय के बाद जो डिसअपीयर्ड हो जाते हैं। अगर किसी को ये सिम्टम जो है लंबे समय तक रहते हैं तो उसको जो है डॉक्टर को कंसल्ट करना है। ऑफ्लोमैक एम सस्पेंशन जो है जो एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है और जर्नली इसको बच्चों के लिए जो है रिकमेंड किया जाता है जिनको कि बैक्टीरियल और पैरासिटिक इन्फेक्शन होती है उनको। तो ये मेडिसिन जो है इन्फेक्शन को एक तरह से सही कर देती है। अगर टूथ एप्सीस है, गम इन्फेक्शन है, निमोनिया है, जो फिर डायरिया, डाइसेंट्री, बर्निंग सेंसेशन होती है जब वो यूरिन को पास डाउन करते हैं अपनी बॉडी से, जो फिर जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन है, तो उस दौरान जो है डॉक्टर इस मेडिसिन को रिकमेंड करते हैं। ऑफ्लोमैक एम सस्पेंशन जो है एक तरह से इनहैबिट कर देता है जो भी ग्राउथ काजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जो कि इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। तो आप लोगों को इस मेडिसिन का एक तरह से फुल कोर्स जो है वो करना है जितने टाइम के लिए आप लोगों के डॉक्टर ने आप लोगों को बोला है। तो जो डायरिया होता है वो एक तरह से इंक्रीज कर देता है बाउल मूवमेंट को, लूज वाटरी मूवमेंट होती है उन कंडीशंस के बीच में। अगर किसी को डायरिया है तो उन कंडीशंस के बीच में क्या होता है कि डाइजेस्टिव ट्रैक के बीच में भी इन्फेक्शन हो जाती है। तो ऑफ्लोमैक एम सस्पेंशन जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है उन कंडीशंस के बीच में डायरिया को ट्रीट करने के लिए। जो भी बैक्टीरिया या फिर पैरासिटिक के द्वारा डायरिया कॉज होगा तो उनको जो है एक तरह से सही कर देता है।
तो ये मेडिसन जो है ये रिलीफ प्रोवाइड करती है अगर किसी को लूज मोशंस हैं बच्चे को। डाइसेंट्री जो फिर जो एमीबियोटिक डाइसेंट्री जिसको बोलते हैं वो एक पैरासिटिक इन्फेक्शन होती है और इंटेस्टाइन्स के विष में जो कॉज होती है। और मोस्टली जो जब कोई बच्चा जो है कंटेमिनेटेड फूड को या फिर कंटेमिनेटेड वाटर को यूज करता है तो उस दौरान जो डाइसेंट्री जो है कॉज होती है बच्चों के बीच में। तो इसके कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कि लूज स्टूल्स होना, डायरिया हो जाना, स्टोमक के बीच में क्रैम्प्स आना, स्टोमक पेन होना। ऑफ्लोमैक एम सस्पेंशन जो है एक तरह से हेल्प करता है इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए और जो एक तरह से पैरासाइट्स को किल कर देता है और आप लोगों को सिम्टम से रिलीफ प्रोवाइड करता है और जो भी इन्फेक्शन होगी तो उसको दोबारा से वैक नहीं होने देता है। तो अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो 60 ml की बोतल जो है वो आप लोगों को 57 रुपए की मिल जाएगी। लेकिन जब कभी भी आप लोग किसी भी मेडिसिन को कहीं से भी खरीदें तो उसके एक्सपायरी डेट को एक बार चेक कर लें और उसके बाद ही जो है उसको परचेज करें। तो इस मेडिसिन को आप लोगों को जो है कोल्ड ड्राई प्लेस में स्टोर करके रखना है और डायरेक्ट सनलाइट जो है उसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए।